अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइफ जर्नल विद सारिश के साथ आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे। आज हम मौजूद है कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, यहाँ के इंस्पायरिंग वुमेन, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के प्रोफेसर्स और यहाँ की वर्किंग वुमेन से जानने की कोशिश करते हैं कि वो वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे देखते हैं और वुमेन डे के हवाले से उनकी क्या तासुरात है। आया चलते हैं कुछ स्टूडेंट से और कुछ प्रोफेसर से बात करते हैं। उजाला मरियम कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है। उजाला मरियम, हैप्पी वुमेन्स डे, क्या कहना चाहेंगी वुमेन्स डे पे? वुमेन्स डे पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इफ़ यू फील लाइक यू कैन अचीव समथिंग इन लाइफ एंड अगर आप उसको अचीव नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज यू फील लाइक यू आर वुमेन, सो आई थिंक कि आप इस सोच को बाद में रखें और इस सोच को आगे रखें कि आई कैन डू इट। सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। हैप्पी वुमेन्स डे, आज वुमेन्स डे है और आप क्या पैगाम देना चाहेंगी जो तमाम ख्वातीन आपको देख रही हैं, जितने भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं? और एक और सवाल ये बताइएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट को आप कैसे देखती हैं? मेरी तरफ से सबको वुमेन्स डे बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और ख़वातीन के राइट्स के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले ये है कि ख़वातीन को हर एक फील्ड में काम करने का मौका दिया जाए और कोई भी फील्ड बुरा नहीं होता। ख़वातीन अपने राइट्स के लिए वो मतलब फ़ाइट कर सकती हैं। और साथ ही साथ ये है कि मैं ख़ुद मीडिया डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ और आजकल देखते हैं कि हमारी मीडिया में बहुत कम परसेंट पे फीमेल्स की रेशियो है, तो पार्टिसिपेट करें, मीडिया डिपार्टमेंट में आए, जो जो जिन जिन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है इस फील्ड में वो लोग आइए और अपने टैलेंट को वो लोग दिखा सकते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और कहती है कि कोई भी फील्ड अच्छा बुरा नहीं होता बल्कि ये आपका अपना किरदार, आपकी अपनी पर्सनैलिटी होती है जो इसको रिफ्लेक्ट करता है। तो आए हर उस फील्ड में जहाँ पे आपका शौक है और अपना नाम कमाइए। वुमेन से मैं, आप गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी और आप वुमेन एम्पावरमेंट को बीइंग अ स्टूडेंट कैसे देखती हैं? हैप्पी वुमेन्स डे। यस, ऑफ कोर्स इट्स अ रियली बिग डे और हर खातून का एक दिन होना चाहिए जिसमें उन्हें अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर, एक खातून जो है अपने एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। सो वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ तक बात है, ऑफ़ कोर्स हमारा जो रिलीजन है लाइक इस्लाम, सबसे पहले हमें वुमेन एम्पावरमेंट हमारा रिलीजन ही सिखाता है। अपने कल्चर्स, अपने ट्रेडिशन से जुड़े रहना इज़ यू नो वुमेन एम्पावरमेंट, सबसे बड़ी वुमेन एम्पावरमेंट यही है। सो आई रिकमेंड एवरी वुमेन आउट देयर कि वो अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें, अपना रोल देखें टू द एनवायरनमेंट, इन द एनवायरनमेंट, और देखें कि वो अपने एनवायरनमेंट में कैसे अपना बेस्ट दे सकती है। सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वुमेन आउट देयर। हैप्पी वुमेन्स डे, क्या कहना चाहेंगी वुमेन्स डे पे? वुमेन्स डे के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि वुमेन्स हैव द पावर टू चेंज द सोसाइटी, सो दे कैन, वो भी जो है ना, वो भी वुमेन्स मेन के कम पार ही आ सकते हैं, तो इसीलिए जो है ना, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल वुमेन्स। हैप्पी वुमेन्स डे। अच्छा ये बताइएगा, बीइंग अ मीडिया पर्सन, आप वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे देखती हैं और जितनी भी ख़वातीन इस वक्त आपको देख रही हैं, जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, उनको वुमेन डे के हवाले से आप क्या स्पेशल पैगाम देना चाहेंगी? देखिए सहरीश, सबसे पहले तो वुमेन्स डे आपको भी मुबारक हो। थैंक यू। और हमारी ख़वातीन माशाल्लाह से आजकल के इस एरा में हर फील्ड में ख़ुद को मनवा रही है। द थिंग इज़ दैट जिस पे हमने काम करना है वो हमें ख़ुद इस चीज़ के ऊपर काम करना है, हमने ख़ुद ख़ुद को मोटिवेट करना है, ख़ुद जो है वो इंस्पायर्ड होना है, ख़ुद अपनी चीज़ों को ठीक करना है। जब तक हम खुद अपने हुकूक के लिए नहीं आवाज़ उठाएंगे, जब तक हम खुद अपनी एम्पावरमेंट के लिए काम नहीं करेंगे, कोई बाहर का बंदा या कोई दूसरा बंदा इस चीज़ पर काम नहीं कर सकता। तो हमें सबको मिल के ख़ुद ही अपने हुकूक के लिए, अपने तहफ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए। वुमेन्स डे पे मेरा मैसेज भी तमाम ख्वातीन को यही है। वुमेन्स डे पे इनका मैसेज है कि बी यूनाइटेड। ख्वातीन ने अपने हुकूक के लिए खुद ही जंग लड़ना है, कोई और आपके लिए जंग नहीं लड़ सकता। थैंक यू। थैंक यू सरीश।